Assalamualaikum students. My name is Safiuddin. I am your science teacher. Today we are going to start our new unit, new chapter, food and digestion. Open your book at page number 102. Food and digestion, जो हमारा आज का new chapter है. एक कोई machines ने, कोई एक machine हो जो कि work करती है कोई भी, जैसे कि हमारी car है. वो किस चीज़ से चलती है? किसी फ्यूल से चलती है ना, पेट्रोल से. तो जब तक हम उसको पेट्रोल प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगी. इसी तरह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है. जब तक उसे कोई फ्यूल नहीं मिलेगा वो वर्क नहीं करेगी. तो फ्यूल हमें किस तरीके से मिलता है? फूड के जरिए, हमारे खाने के जरिए. तो वही खाना हमें जो है ग्रो करने में मदद करता है, हमारे वर्क डेली वर्कआउट में मदद करता है, और हमारे जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स में ख़राबी हो जाती है, कोई हमें कट लग जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है ये फूड ही हमें. अगर हम फूड के प्रॉपरली नहीं लेंगे तो हम भी हेल्दी नहीं रह सकते. एक अगर इंसान देखा जाए, कोई एक ह्यूमन बीइंग एक साल में तकरीबन 1000 किलोग्राम ऑफ फूड या ड्रिंक और 500 लीटर्स ऑफ वाटर, इतना ज़्यादा लिक्विड में कोई भी चीज़ शामिल होती है, वाटर होते हैं, जूसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिल्क होते हैं, चीज़ें होती हैं, कितना एक ह्यूमन बीइंग एक साल में खाता है, यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है. फिर भी ये सिर्फ बॉडी को मेंटेन नॉर्मली रखता है, मतलब हेल्दी पर्सन नहीं खिलाएगा इतना, ये से इतना सब कुछ खाना भी, क्योंकि हमें पूरी डाइट प्रॉपर चाहिए थी जिसमें हर किस्म की चीज़ हमें मिले, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें प्रोटीन्स भी हों, वाइटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हों, थोड़ी मिकदार में फैट्स भी हों, तो हमें वो चीज़ें ज़रूरत होती हैं. फाइबर्स की भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि फाइबर्स हमारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, क्योंकि अगर फाइबर्स नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वहाँ पर हमारा फूड मूव करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि फाइबर्स एक स्टिकी सब्सटेंस बनाता है लिक्विड सा, ताकि फूड आराम से मूव कर सके हमारे इंटेस्टाइन्स में. अब हम फूड टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे फूड में किस किस किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं और हमें क्या फूड खाने से क्या चीज़ हमें हासिल होती है. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वो एक केमिकल्स होते हैं जो मेन एनर्जी है हमारी बॉडी की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम नहीं लेंगे तो हम जो है अपने नॉर्मल रूटीन के वर्क नहीं कर सकते. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमें ब्रेड में, हमें स्वीट बिस्किट्स में, पोटैटोज में जो है क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह का शुगर स्टार्च होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कोई भी वर्क करने के लिए. नंबर टू, फैट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ हमें जो प्रोवाइड करे एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, हमें ट्वाइस मतलब दो गुना ज़्यादा फैट्स हमें प्रोवाइड करते हैं. तो वो मिलता है हमें किस किस चीज़ से? एक मीट से मिलता है जो हम गोश्त खाते हैं, या चीज़ से, या फ्राइड आइटम्स से जो हम डेली यूज़ में अपने फ्रैट पोटैटोज खाते हैं, उस समय फैट्स हासिल होता है. ये क्या करता है? इसके दो फायदे, एक तो हमें एनर्जी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, और ये क्या होता है, फैट हमारी स्किन के नीचे जो है एक थिन सी या फैट सी लेयर बना लेता है, मोटी सी लेयर बना लेता है, जो इंसुलेटर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, हमें उससे सर्दी नहीं लगती ज़्यादा. लेकिन बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खाना भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी शेप में नहीं रह पाती, हम अच्छे नहीं दिखते, फैटी हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं हम. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमें किस चीज़ से हासिल होते हैं? हमें एग से, फिश से, मीट से, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हमें प्रोटीन्स हासिल होते हैं. ग्रेन्स से, हमारे जो दालें होती हैं उनसे हमें शामिल होते हैं प्रोटीन्स, बहुत ज़्यादा हमें मिलती हैं प्रोटीन्स से. प्रोटीन्स हमें ग्रो होने में हेल्प करती है, हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उससे, और क्या होते हैं, हमारे जो कोई रिपेयर डैमेज हो जाता है पार्ट, हमें कट लग जाते हैं, या इन साइड में कोई इंजरी हो जाती है, या कोई ऑपरेशन होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, प्रोटीन आइटम्स या प्रोटीन फूड्स कंटेनिंग फूड्स जो है हम लेते हैं. उससे क्या होता है, हमारे जो डैमेज रिपेयर्स डैमेज पार्ट हिस्से होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारे आहिस्ता से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं. मिनरल सॉल्ट्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. जैसे कि कैल्शियम होता है, कैल्शियम में मिनरल है जो कि हमें मिक्स से मिलता है, तो वो क्या होता है, हमारे टीथ को, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारे हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल्स भी आयरन कंटेंट करते हैं, तो हमें आयरन भी एक तरह का मिनरल है, वो हमें लेना चाहिए. किससे मिलता है? बहुत सारी चीज़ों से मिलता है हमें, एप्पल से मिल जाता है आयरन, हमें ऑरेंजेस से मिल जाते हैं, हमें स्पेनिश से मिल जाता है आयरन, ये बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें आयरन मिलता है. रफेज क्या होता है? रफेज एक वो डाइट का हिस्सा होता है जो कि हमारे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ज़्यादातर वो सेल्युलोस होते हैं. सेल्युलोस कहाँ होते हैं? प्लांट्स के
किसी भी पार्ट में सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। वो किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, वो हमारे जैसे मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन में हमारे फूड को मूव करने में हेल्प होता है, हमारे फीसिस जो है आराम से जो है सॉफ्ट होते हैं ताकि वो बाहर आ सकें, और जो है हमारे वेस्ट मटेरियल जो है वो निकल सके आराम से, हमें कोई मसला ना हो हमारे डाइजेस्ट ट्रैक में। पूरे ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेकर आपके एनस तक जो है पूरा एक डाइजेस्ट ट्रैक है। इसमें जो है फूड जो है, अब एक पाइप है उसमें आप एक चीज़ को पुश कर रहे हो, जा ही नहीं क्योंकि उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा रफ़ है, तो ये जो रफेजेस होते हैं ये क्या करते हैं उस सरफेस को सॉफ्ट उस लिक्विड चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्लिपरी बनाते हैं, उस वजह से हमारा फूड जो है आराम से मूव कर पाता है। तो ये रफेजेस भी हमारे उसमें, रफेज भी हमारे उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइट में होना। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉपी वर्क। क्वेश्चन आंसर्स एंड अरेंजमेंट एक्सरसाइजेस टू प्रिपेयर इन द क्लास ऑफ कॉपी, जो हम काम करने वाले हैं वो हम आगे पढ़ेंगे और वो काम आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 फूड एंड डाइजेशन का आप ना टाइटल पेज बनाएंगे अच्छा सा। टाइटल पेज के बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी, फ्यूल का है क्या है ह्यूमन बॉडी का। The fuel for the human body is food. Food supplies energy and all the chemicals needed for growth and to keep the body working properly. Food जो है वो हमारी body के human body का fuel है एक तरह का। Food जो है हमें supply करता है, chemicals energies provide करता है और हमें body को working properly करने में मदद करता है। Question number 2 है, how many types of food are there? हमारे जो हम food eat करते हैं उनकी कितनी types होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। हमारी बॉडी में 6 टाइप के फूड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स और रफेजेस जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह हम एक्सप्लेन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने आपको बताया है कि सप्लाई करते हैं एनर्जी, जो शुगर कंटेन करते हैं और बहुत सारा स्टार्च कंटेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि हम जो है हमारे सेल्स तक एनर्जी पहुंचे और हमने जो डेली वर्क्स हैं, जो हमारा वर्किंग है, हमारा ग्रोथ है, हमारे जो हम स्पीक कर रहे हैं, पावर है, ये सब जो है इस कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए हम हासिल करते हैं। नंबर 2 फैट्स है, फैट जो है एक और किस्म की एनर्जी फूड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स थी, लेकिन फैट्स क्या करते हैं, फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रोवाइड कर रहा था उससे 2 गुना ज़्यादा हमें फैट्स प्रोवाइड करता है। नंबर 3 प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, हमारी जो ग्रोइंग होती है, हम ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं उसमें हमें हेल्प करते हैं, और हमारे जो डैमेज होते हैं जहाँ हमें कट लग जाए, कभी कुछ परेशानी हो जाए, हमारे जो है कोई इनर ब्लीडिंग हो जाए या डैमेज इंजरी हो जाए तो उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं। विटामिंस क्या होते हैं, विटामिन जो है हमें हेल्प करते हैं हमारे जो है हमारी बॉडी में हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको बिल्ड करने में, उनकी डेफिशिएंसी वो ख़राब ना हो, वो वर्क प्रॉपर करते हैं, विटामिन हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं। विटामिन हमें बहुत टाइनी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अगर कोई विटामिन हमारी बॉडी में मिसिंग हो, हमारी डाइट में मिसिंग हो, तो क्या होता है उस विटामिन के कम होने की वजह से हमें कोई ना कोई इलनेस का शिकार होना पड़ता है, हम बीमार हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से और उस सप्लीमेंट से भी हम लेते हैं या हमारी डाइट्स में भी होते हैं शामिल। अगर वो विटामिन डी हमारे डाइट में शामिल नहीं हो पा रहा है, हमें नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, हमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी और हमें क्या, हम जो है हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। इसी तरह से विटामिन के होता है वो हमारे हेयर्स को जो है ब्लैक रखता है और हमारे जो है हेयर्स को प्रॉपर ग्रो रखता है, हमारे बाल टूटते नहीं है। तो विटामिन हर किस्म के विटामिन का कोई ना कोई वर्क है, अगर हमारे हेल्थ में हमारे डाइट में नहीं मिलेगा हमें तो उस चीज़ की डेफिशिएंसी लाजमी होगी, वो हमें बीमार कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है। एक पूरा डाइजेस्ट सिस्टम है, एक पूरा ट्रैक है, एक पूरा ऑर्गन्स हैं बहुत सारे उसमें, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, इसोफेगस है और हमारा माउथ है, उसमें किडनीज भी शामिल हो जाती हैं, वो तो एक थोड़ा सा अलग होते हैं लेकिन डाइजेस्ट सिस्टम में शामिल होती हैं थोड़ी बहुत। पैनक्रियाज है, लीवर है, एनस है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, ये सारे पूरे ऑर्गन्स का सिस्टम बना हुआ है जिसमें हम जो ईट करते हैं वो पूरा प्रोसेस होता है, फिर वो हमारे जो है बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जहाँ नीड होती है जिस सब्सटेंस की, जो कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स या प्रोटीन्स की, वहाँ तक पहुँचता है। इस पूरे सिस्टम्स को हम डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। वो पूरे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सबसे पहले जो है स्टमक में जाता है फूड, वो ग्राइंड होता है, छोटे 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 उसमें तब्दील हो जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्वोलाइज होते हैं,
एलोवेरा क्या करते हैं, वो जो वहाँ पर जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं उसमें से फूड में से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेन से आर्टरीज के जरिए पूरे जिसम में पहुँचाते हैं एनर्जी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस के तौर पे जो है स्टोर हो जाता है, रेक्टम में वो फीसिस के तौर पे स्टोर हो जाता है। फिर जब हम वॉशरूम जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो एज अ फीसिस जो है वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से एक्सीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स हमारे जिस्म में हर जगह मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा एंजाइम्स जो होते हैं वो पैनक्रियाज बनाते हैं, लिवर्स बनाते हैं और हमारे स्टमक में पाए जाते हैं एंजाइम, जो कि जो है हमारे फूड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, उसका मेन फंक्शन होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील करना। जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, इन सबको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में तब्दील करना इनका काम होता है, असल जो एंजाइम्स का वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है पेप्सिन। पेप्सिन होता क्या, पेप्सिन इज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक मेड इन द स्टमक। द गैस्ट्रिक जूस इज वेरी एसिडिक। 1.5-3.5 पेप्सिन वर्क्स बेस्ट इन दिस कंडीशन। गैस्ट्रिक पेप्सिन क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि कहाँ बनता है, स्टमक में बनता है और कहाँ स्टमक में ही पाया जाता है। वो क्या करता है, वो बहुत एसिडिक होता है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो वो जाके उस एसिड में गिरता है, फिर गैस्ट्रिक जूस में गिरता है, वो फिर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, फिर वो फर्दर आगे प्रोसेस में चले जाता है और ये बहुत एसिडिक होता है। 1.5 से 3.5 जो उसकी वैल्यू होती है वो इसके दरमियान अगर पेप्सिन आपके स्टमक में है तो बेस्ट होता है बिल्कुल। इसके बाद अगर आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की, पूरी डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और ये पैनक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। हालांकि हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का ऐसा कोई वर्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है, जो हर जगह चीज़ है हमारे जिस्म में। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर नहीं हुई जिसके जरिए हमें बता सके कि अपेंडिक्स का एक्चुअली वर्क क्या है। जैसे रेक्टम होता है, एनस होता है, इसोफेगस जैसे हमें बताया, फेलेक्स फेनेक्स होता है, ये सब हमारे पूरी डाइजेस्ट सिस्टम का हिस्सा है पूरा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप जितना आपको काम बताया गया है ये आपने कॉपी में करेंगे और फिर सबमिट कराएंगे जो भी आपको डेट दी गई है। ठीक है, जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।